मैं श्री भारत भूषण जी से आग्रह करूंगा कि माननीय आलोक जी का मां की चुनरी और चित्र देकर स्वागत करें। माननीय आलोक जी के विधिवत परिचय के लिए मैं असीम गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और विधिवत परिचय करवाएं। श्री असीम गुप्ता जी, इस सभागार में बैठे हुए हमारे अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, भाइयों, बंधुओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। श्री आलोक जी का परिचय करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आलोक जी का बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए हैं। 1973 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष चुने गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे 1978 में, जब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ एक प्रांत होता था। 21 साल तक भाजपा में थे और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग सेल के 6 साल राष्ट्रीय संयोजक रहे। भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के राष्ट्रीय संयोजक रहे। दिल्ली में ददीची देहदान समिति के अध्यक्ष हैं। इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली में सह प्रांत संघ चालक हैं और उनका अपना व्यवसाय वकालत है। धन्यवाद। मैं अब माननीय आलोक जी को स्टेज पे आने का आमंत्रण देता हूँ। माइक पे यहाँ से कर सकते हैं। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री भारत भूषण जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, श्री निर्मल सिंह जी, भाइयों और बहनों, मैं याद कर रहा था कि अलग अलग जिम्मेवारियों पर जम्मू कश्मीर का प्रवास करते करते अब मुझे 38 साल हो गए। 1978 में विद्यार्थी परिषद का पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इसका संगठन मंत्री हुआ। तब से जम्मू आना शुरू हुआ। निर्मल सिंह जी संघ के प्रचारक थे, जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री थे, अशोक खजूरिया अध्यक्ष थे, रमेश अरोड़ा जी यहाँ से पटियाला विद्यार्थी परिषद का काम करने के लिए प्रचारक गए थे, रविंद्र जी गुरदासपुर में विद्यार्थी परिषद का पूरा समय लगाकर काम करने गए थे। एक अच्छे आनंद के दिन थे, तरुणाई के दिन थे। तब अशोक जी ऐसे नहीं लगते थे जैसे अब लगते हैं। फिर नितिन जी अध्यक्ष बने तो प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संयोजक बना मैं। तो जम्मू कश्मीर आने पे मेरे को ध्यान में आया कि जो लोग विद्यार्थी परिषद में थे, जिन जिम्मेवारियों में थे, आगे बढ़ते बढ़ते वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में भी उन जिम्मेवारियों में हो। तो अशोक जी से, निर्मल जी से, रमेश जी से, कविंद्र जी से इतनी पुरानी दोस्ती फिर रिन्यू हुई। अभी तो 2 साल से मैं संघ क्षेत्र में काम कर रहा हूं, पर वैचारिक विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुछ कार्यक्रमों में मैं जाऊं, ऐसा मुझे कहा गया है।
आज का विषय एकात्म मानववाद है, उस पर मैं बोलूं ऐसा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये लिखा है कि एकात्म मानववाद हमारी पार्टी का मूल दर्शन है। अब ये मूल दर्शन क्या होता है? तो मूल का मतलब तो सब जानते हैं, ये बेसिक है, फंडामेंटल है, आधारभूत है, पूरी की पूरी इमारत इस पर खड़ी है। और दर्शन क्या होता है? तो जो बदलता नहीं है, जो स्थिर रहता है। नीति बदलती है, कार्यक्रम बदलता है। मैं पहले जब जब भी प्रवास करता था तो हम विपक्ष में होते थे, और जम्मू कश्मीर में कभी हम शासन में होंगे ऐसी तो कोई कल्पना ही नहीं होती थी। हम नियति ही ये मानते थे कि भाई विपक्ष में हैं, रहेंगे, पर निरंतर संघर्ष करके भारतीय एकात्मता का झंडा उठाए रखेंगे। तो नीतियां बदलती हैं, कार्यक्रम बदलते हैं, सिद्धांत नहीं बदलता, दर्शन नहीं बदलता। उसी दर्शन के आधार पर नए नए कार्यक्रम और नीतियां होती हैं। और एक बार सबको याद भी करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनते तो उस समय आपने, हम सब ने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एकात्म मानववाद मेरा मूल दर्शन रहेगा। ऐसी प्रतिज्ञा हम सब ने जब हम पार्टी के प्राइमरी मेंबर बने तब की, और जितनी जितनी बार भी मेंबरशिप रिन्यू करी तब भी की। अभी एकात्म मानव दर्शन क्या है? तो हमको मालूम है कि 1952 में भारतीय जनसंघ बना था, 1953 में दिसंबर महीने में कानपुर में पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था। उस पहले अधिवेशन में श्री दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के महामंत्री बने थे, और 1953 से 1967 तक वह महामंत्री रहे। 31 दिसंबर 67 को वो पार्टी के अध्यक्ष बने, और 40-42 दिन बाद 11 फरवरी 68 को उनकी हत्या हुई। दीनदयाल जी ने 1964-65 में 4 भाषण दिए थे, उसमें उन्होंने एकात्म मानव दर्शन हमको बताया। उसको भी 50 साल हो गए। अब इस साल हम एकात्म मानव दर्शन के 50 साल और दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी, ये दोनों कार्यक्रम इकट्ठा बनाएंगे। दीनदयाल जी रहे होते तो इस 25 सितंबर को 100 वर्ष पूर्ण करके 101वें में प्रवेश करते हैं। दीनदयाल जी ने एक प्रश्न किया था, और वो प्रश्न ये था कि दुनिया के सब धर्म, सब पंथ, सब दार्शनिक, सब विचारक आखिर किस चीज की खोज करते हैं? हमारी एटर्नल क्वेस्ट क्या है? और उन्होंने कहा कि एटर्नल क्वेस्ट तो सुख की है ना, आनंद की है ना। कोई सरकार बने, अच्छे दिन के आधार पर बने या किसी भी नारे के आधार पर बने, पर मनुष्य सुखी हो, वह सुख रहने वाला हो, आता जाता ना हो, ऐसा सुख मिले, इसकी खोज में सब व्यवस्थाएं बनी भाई।
अब ऐसा सुख मिले इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए। एक प्रयोग यह हुआ कि भाई लोगों के आपस में झगड़े होते हैं तो सुलटते नहीं है, कोई एक अधिकारी चाहिए जो सबको सुलटाए, सबको रास्ता बताए, तो मनुष्यों में से कोई एक राजा हो जाए और राजा रहेगा तो वो कानून व्यवस्था रखेगा, वो लोगों के हित का काम करेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो राजतंत्र आया था, ये राजतंत्र कुछ जगह अच्छा भी चलता था क्योंकि भारत में तो हम सब लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, और वो राम राज्य ऐसा था जिसमें वृक्ष समय पर फल देते थे, ऋतुएं समय पर होती थी, बादल ऋतुकाल में वर्षा करते थे, किसी बड़े के रहते छोटे की मृत्यु नहीं होती थी, सब लोग धर्म का पालन करते थे। पर राजा अच्छे भी थे, राजा खराब भी थे। हमारे यहां एक नाभा स्टेट थी, नाभा के जो राजा थे उनको अदालत लगाना अच्छा नहीं लगता था, पर राजा चीफ जस्टिस भी होता था तो कभी कभी वो कोर्ट लगाते थे, और जिस दिन कोर्ट लगाते थे उस दिन सारी फाइलें मेज पे रखवा लेते थे, और मेज पे रखवाने के बाद में दो चपरासियों को बोलते थे इन सबको नीचे गिरा दो, तो वो सबको नीचे गिरा देते थे, फिर कहते थे अब रैंडम इनकी दो ढेरियां लगाओ, तो दो ढेरियां लग जाती थी, फिर राजा अक्कड़ बक्कड़ करते थे और किसी एक ढेर पे हाथ रख देते थे, जिस ढेर पे हाथ रख दिया वो सारे के सारे अपीलें मंजूर हो गई, और जिस पे नहीं रखा वो सारी अपीलें खारिज हो गई। ऐसे भी राजा थे। हमारी दिल्ली में एक खूनी दरवाजा है कि जब तक मैं सवा मन जनेऊ नहीं जला लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो जो धर्म परिवर्तन करना नहीं मानते थे उनको उस दरवाजे पे लाके मार दिया जाता था। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, राजतंत्र तो चांस है, अच्छा भी राजा होगा खराब भी राजा होगा, इसलिए राजतंत्र में मनुष्य सुखी नहीं रहे। मैं जो सारी बात आपसे करूंगा ना, इसमें मनुष्य सुखी कैसे रहे इसकी खोज के लिए क्या क्या हुआ है। तो फिर इंग्लैंड में एक प्रयोग हुआ, वो प्रयोग यह हुआ कि लोकतंत्र करते हैं, लोक सरकार बनाए लोक सरकार हटाए, कोई ऐसी अपनी मर्जी से राजा नहीं होगा। तो 5 साल में एक बार इस देश में 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं, जब शुरू हुआ था तब वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, वो तो कहा कि एक छोटे गांव में एक छोटा आदमी एक छोटे स्कूल के छोटे कमरे में जाता है, एक छोटे बूथ के पीछे